खबर गाजीपुर से है, जहां कोरोना महामारी को लेकर पूरा देश जदोजहद कर रहा है। तो वहीं जनपद गाजीपुर के 6 चिकित्सक पिछले कई सालों से गायब हैं। इस बात का खुलासा जिलाधिकारी ने अपने एक जांच में किया है। इसके बाद सभी चिकित्सकों को नोटिस जारी किया गया है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बताते चले कि यह सभी डॉक्टर यहां से अपना पूरा वेतन कुछ कर्मचारियों की सहायता से ले लेते हैं, और प्राप्त सूचना के अनुसार बड़े शहरों में निजी नर्सिंग होम में अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जनपद गाजीपुर का जिला अस्पताल है, यहां पर पिछले कई सालों से चिकित्सकों की भारी कमी है। वहीं कई ऐसे भी चिकित्सक हैं जो ड्यूटी में होने और अपना पूरा वेतन लेने के बाद भी सालों से गायब होकर निजी प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जनपद में तैनात डॉक्टरों की लिस्ट मांगी, जिसमें सभी डॉक्टरों के वेतन का भुगतान किया गया था। दोनों लिस्टों में 6 डॉक्टर ऐसे मिले जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दिए गए लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था। और जब जांच करवाई तो पता चला कि पिछले कई सालों से जिले में तैनात 6 सरकारी डॉक्टर अपने ड्यूटी पर नहीं हैं। इन डॉक्टरों में डॉक्टर मनमोहन मिश्रा, जो जनपद में SEMO के पद पर हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से गायब हैं। साथ ही डॉक्टर प्रवीण मिश्रा, पंकज पांडे, डॉक्टर शांतनु मिश्रा, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर महीधर का नाम शामिल है, जो गायब है। इस बारे में जिलाधिकारी गाजीपुर MP सिंह ने भी इनके अनुपस्थिति की पुष्टि करते हुए बताया कि वर्तमान समय में COVID-19 के सैकड़ों वेब में काफी संक्रमण फैला, लोग परेशान हैं। ऐसे में हम सबका दायित्व है कि हम सब प्रयास करें। यदि ऐसे में कोई मेडिकल स्टाफ बिना उच्च अधिकारियों को बताए या बिना नियम के अनुपस्थित है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। एक सवाल पर DM मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि अभी 6 अनुपस्थित डॉक्टरों में 2 आ चुके हैं, बताया गया है कि और 1 डॉक्टर आ रहे हैं। ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का कोई चिकित्सक या पैरामेडिकल स्टाफ बिना अनुमति के, बिना सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराए अवकाश, विभाग से बाहर चला जाता है या ड्यूटी से अनुपस्थित हो जाता है, तो न यह उसकी गरिमा के अनुरूप है और न ही जनहित में है। ऐसे में मैंने जिन जिन चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की जहाँ जहाँ तैनाती थी, उनकी अटेंडेंस कराई, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के बाद ये पता चला कि कुछ डॉक्टर्स बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर चले गए। ऐसे में उनको सूचित कराया, कुछ लोग आ गए और कुछ लोग आने की प्रक्रिया में हैं। जो लोग बिना अनुमति के और बिना सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बाहर जाएंगे, निश्चित रूप से उनका यह कृत्य अनुचित माना जाएगा और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में सर, ये जो 6 डॉक्टर बताया जा रहा है, पिछले काफ़ी दिनों से लगभग सालों से लोग गायब थे अपनी ड्यूटी से, तो इनको लेकर क्या कोई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जो 6 डॉक्टर्स थे उसमें से 2 डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया है, 1 डॉक्टर मुझे बताया गया कि अभी रास्ते में आ रहे हैं, बाकी जो बच रहे हैं उनको हमने सोपा जारी किया हुआ है। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं आता है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई के पात्र।